जिला युवक कांग्रेस देवास की उपाध्यक्ष हंसा चौहान के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव विश्वजीत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में स्थानीय वृद्ध आश्रम में एक माह की खाद्य सामग्री भेंट की तथा पौधारोपण कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव एवं जिला के प्रभारी स्वीटी पटेल विशेष रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर, तवर सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा गरीबों की सेवा और भलाई की ही बात की है। आज उनका जन्मदिन है। हम सब यहां उपस्थित वृद्ध जनों से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे साथ राहुल गांधी के दीर्घ आयु जीवन की कामना करें। इसके साथ पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर ने कहा कि वृद्ध आश्रम में युवक कांग्रेस ने जो यह काम किया है बड़ा ही अनुकरणीय है। आज राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी युवा मिलकर रचनात्मक काम करें एवं देश को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर तवर सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जयप्रकाश शास्त्री, अजित भल्ला, प्रदीप चौधरी, नरेंद्र यादव, अनिल गोस्वामी, संतोष मोदी, जाकिर उल्ला शेख, इम्तिहाज शेख भल्लू, पंकज वर्मा, वसीम हुसैन, मलखान सिंह देवड़ा, जिला महासचिव अनस शेख, आरिफ आंक्या, आशु दरबार सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं तवर भैया से अनुरोध करता हूँ कि उनके जन्मदिन के दो शब्द रहे। आज हमारे नांदे प्रदेश के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। मैं हमारे कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई की शुभकामना देता हूँ एवं इस बात प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में वो हमारे देश की भागदौर संभाले और देश का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं जय सिंह जी मुंबई दे दिया है यार। कैनन न्यूज के लिए देवास से नागेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।